हेलो बच्चों, आज हम लोग साइंस में पढ़ेंगे एनिमल में डोमेस्टिक एनिमल। ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल मतलब जो हमारे घर के आसपास रहते हैं और उसमें से कुछ हमारे घर पर रहते हैं, जो हमारे पालतू होते हैं, जिनसे हमको कम डर लगता है, जो हम पाल सकते हैं, जिनसे हमको फायदा होता है, जो हमारे काम आते हैं, चाहे उनसे हम दूध लेते हैं, चाहे उनसे हम घर की रखवाली करते हैं, जो हमारे काम आते हैं वो डोमेस्टिक एनिमल है और ये हमारे घर के आसपास होते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरा क्या है, एनिमल्स आर लिविंग थिंग, एनिमल्स लिविंग थिंग है, ये चल सकते हैं, ये बड़े भी होते हैं, इनको खाना भी चाहिए होता है, इनको पानी भी चाहिए होता है। ठीक है, इसमें से कुछ जो जानवर हैं वो जमीन पे रहते हैं, कुछ जानवर जो हैं वो पानी में रहते हैं, और कुछ जो होते हैं एनिमल वो फ्लाई करते हैं, जो जमीन में कम चलते हैं लेकिन आसमान में ज्यादा रहते हैं। तो लैंड वाले कौन कौन से एनिमल हैं, एलिफेंट, हॉर्स, गोट और जिराफ, ये हमारे लैंड वाले एनिमल हैं जो हमारे जमीन में रहते हैं। और कुछ इसमें से हैं जो पानी में रहते हैं, उनको वाटर एनिमल बोलते हैं। कौन कौन से हैं, फिश, डॉल्फिन और ये व्हेल। ठीक है, और कुछ एनिमल्स फ्लाई इन द एयर, कुछ हवा में फ्लाई करते हैं, आसमान में रहते हैं, ये स्पैरो, बटरफ्लाई और पैरेट। ठीक है, और डोमेस्टिक एनिमल हमारे घर के आसपास रहते हैं और घर के अंदर रहते हैं। इसमें कौन कौन से डोमेस्टिक एनिमल है, शीप, काउ, हॉर्स, बफेलो, गोट, ऑक्स, डक, हैन और कैमल। ठीक है, और कुछ को हम घर पे रखते हैं, इनको हम पेट बोलते हैं, पैरेट, रैबिट, फिशेस, कॉट, डॉग और कैट, ये हमारे पेट एनिमल हैं। ठीक है, आज हम लोग डोमेस्टिक एनिमल में कुछ हम याद करने के लिए कॉपी में लिखेंगे, कौन कौन से हैं वो, कैट, डॉग।